नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल MS एडवाइजर में। और दोस्तों, यहाँ पे डीएलएड को लेके बड़ा जो अपडेट है, डीएलएड के वर्कशॉप के डेट को लेके और यहाँ पे डीएलएड के पैसे के वापसी को लेके यहाँ पे अपडेट आए हैं दोस्तों। इसके बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जितने भी शिक्षक हैं सभी तक ये जानकारी पहुँच सके। तो चलिए यहाँ पे जानते हैं यहाँ पे क्या अपडेट निकल के आया हुआ है। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो अमर उजाला का रिपोर्ट है और ये देहरादून से ये रिपोर्ट है, और इसमें अगर देखें तो हेडलाइन जो दिया गया है, फीस वापसी नहीं मिलने से अभ्यर्थी परेशान। तो यहाँ पे काफ़ी सारे शिक्षक वैसे थे जो कि बीएड के हुए शिक्षक थे, जिन्होंने कि डीएलएड में भी एडमिशन ले लिया था, लेकिन उन सबों ने यहाँ पे एनआईएस में ईमेल किए थे, एनआईएस को रिक्वेस्ट किए थे कि वो उनका पैसा यहाँ पे वापस कर दे। लेकिन अभी तक देखें तो उन सभी शिक्षकों का यहाँ पे पैसा जो वापस नहीं हो पाया है। और फिर नीचे देखें तो डिटेल में जो लिखा गया है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड की फीस वापसी नहीं मिलने के कारण प्रदेश के करीब 2000 अभ्यर्थी परेशान हैं। तो ये रिपोर्ट जो है, ये देहरादून का रिपोर्ट है, तो बोला जा रहा है कि वहाँ के 2000 अभ्यर्थी जो परेशान है, जिनका कि फीस अभी तक यहाँ पे वापस नहीं हुआ है। यहाँ पे देखें तो काफ़ी सारे शिक्षक हैं जिनका कि यहाँ पे फीस अभी तक वापस नहीं हुआ है। यहाँ पे एनआईएस के द्वारा जो एक लिस्ट निकाला गया था, जिसमें कि कुछ शिक्षकों का यहाँ पे देखें तो फीस को वापस भी किया गया था, लेकिन बहुत सारे शिक्षक वैसे भी रह गए जिनका कि यहाँ पे फीस को वापस नहीं किया गया है। और फिर आगे लिखा है, उनका कहना है कि उन्होंने अज्ञानता में डीएलएड में दाखिल ले लिया था, लेकिन बाद में ब्रिज कोर्स में दाखिल लिया। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि उन्होंने पहले जो डीएलएड में एडमिशन ले लिया था, लेकिन बाद में जो है उन सबों ने यहाँ पे ब्रिज कोर्स में एडमिशन लिया। तो उन सबों का यहाँ पे कहना था कि जो भी डीएलएड में जो पैसे लगे थे उसको यहाँ पे वापस किया जाए। तब राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी कि एनआईएस ने कहा था कि उनकी डीएलएड की फीस वापस आएगी, जो अभी तक नहीं मिली है। यहाँ पे देखिए, एनआईएस के द्वारा भी ये बोला गया था कि जिन शिक्षकों ने, जो भी बीएड के हुए शिक्षक हैं जिन्होंने कि डीएलएड में एडमिशन ले लिया है और वो ब्रिज कोर्स में भी एडमिशन ले लिए हैं, तो उनका डीएलएड का जो फीस है वो यहाँ पे वापस हो जाएगा। लेकिन अभी तक यहाँ देखें तो फीस वापसी का जो है यहाँ पे कोई भी लिस्ट जो है प्रॉपर रूप से नहीं निकाला गया है। कुछ शिक्षकों का जिनका कि यहाँ पे डबल पेमेंट हुआ था, उन सबों का यहाँ पे जो फीस को वापस किया गया है। और यहाँ पे आगे देखें तो लिखा गया, अभ्यर्थियों की मांग है कि जल्द उनकी फीस लौटाई जाए। वहीं एनआईएस का कहना है कि इसकी प्रक्रिया मुख्य कार्यालय से संचालित हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, फीस वापसी का जो भी यहाँ पे प्रक्रिया चल रहा है, तो जो भी एनआईएस का हेड ऑफिस है वहाँ से यह प्रक्रिया चलती है। और फिर लिखा है, और अभ्यर्थियों का पैसा जल्द मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है, एनआईएस के द्वारा बोला जा रहा है, जो भी एनआईएस के हेड ऑफिस है उनके द्वारा बोला जा रहा है कि अभ्यर्थी का जो भी यहाँ पे पैसा है, जिन्होंने कि यहाँ पे डीएलएड में एडमिशन ले लिया था, उनका यहाँ पे जो है पैसा वापस हो जाएगा। तो यहाँ पे पैसा जो 19 शिक्षकों का यहाँ पे वापस होगा, जो शिक्षक यहाँ पे डीएलएड में भी एडमिशन ले लिए थे और ब्रिज कोर्स में भी उन्होंने एडमिशन ले लिया था, तो डीएलएड में जितने उनको पैसे लगे थे उनका यहाँ पे पैसा जो वापस हो जाएगा। और फिर आगे लिखा है, एनआईएस ने डीएलएड का नोटिफिकेशन जारी किया, तो बीएड पास शिक्षकों ने भी डीएलएड में दाखिला ले लिया। बाद में बीएड पास शिक्षकों के लिए अलग से ब्रिज कोर्स शुरू किया गया। तो यहाँ पे देखिए, पहले जो है डीएलएड का यहाँ पे कोर्स आया था, उसके बाद यहाँ पे बीएड वालों के लिए जो है ब्रिज कोर्स यहाँ पे निकाला गया था। और फिर आगे लिखा है, एनआईएस ने ऐसे सभी शिक्षकों को बताया कि डीएलएड वाली उनकी फीस वापस कर दी जाएगी, लिहाजा सभी शिक्षकों ने ब्रिज कोर्स में दाखिला ले लिया। अब अभ्यर्थियों का कहना है कि वे कई बार एनआईएस से संपर्क कर चुके हैं, लेकिन उनकी डीएलएड की फीस वापस नहीं आई है। तो यहाँ पे जैसा कि आप सबों के भी यहाँ पे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, जो भी बीएड के हुए शिक्षक हैं जिन्होंने कि यहाँ पे ब्रिज कोर्स में एडमिशन लिया था, तो उन सबों ने यहाँ पे काफ़ी सारे कमेंट्स किए थे, उनका यहाँ पे फीस जो वापस नहीं हो पा रहा है। तो मैंने आपको बोला था कि आप एनआईएस को ईमेल करें, तो यहाँ पे काफ़ी सारे शिक्षकों ने एनआईएस को ईमेल भी किया, एनआईएस से कॉन्टैक्ट भी किया, लेकिन उन सभी का पैसा जो अभी तक यहाँ पे वापस नहीं आया है। और यहाँ पे आगे लिखा गया है, उधर एनआईएस के क्षेत्रीय अधिकारी प्रदीप कुमार रावत का कहना है कि प्रदेश के ऐसे करीब 2000 अभ्यर्थी की सूची एनआईएस मुख्यालय को भेजी जा चुकी है। तो यहाँ पे देखिए, एनआईएस के जो भी क्षेत्रीय अधिकारी हैं प्रदीप कुमार रावत जी, इनका यहाँ पे कहना है कि जो भी यहाँ पे 2000 अभ्यर्थी यानी कि 2000 शिक्षक का जो भी यहाँ पे लिस्ट था, जिनको कि यहाँ पे पैसा वापस चाहिए था, जिन्होंने कि यहाँ पे डीएलएड में एडमिशन ले लिया था, तो उनका पैसा वापस के लिए जो है यहाँ पे लिस्ट जो है एनआईएस के हेड ऑफिस तक यहाँ पे भेज दिया गया है। और आगे फिर लिखा है, फीस वापसी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अभ्यर्थियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, क्लियर रूप से बोला जा रहा है कि फीस वापसी की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे शुरू हो चुकी है, तो अभ्यर्थियों को जाने की, जो भी यहाँ पे शिक्षक है उनको यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप सबों का जो भी यहाँ पे फीस है, जिन्होंने भी यहाँ पे डीएलएड में एडमिशन ले लिया था, तो उनका फीस जो यहाँ पे वापस हो जाएगा। जो भी आपने 4500 रुपये यहाँ पे जो भी आपने यहाँ पे पेमेंट किया था, वो आपका यहाँ पे वापस हो जाएगा। और फिर आगे यहाँ पे देखें तो नीचे लिखा गया है, डीएलएड के लिए 100% उपस्थिति जरूरी। एनआईएस के 2 वर्षीय डीएलएड कर रहे अभ्यर्थियों की 12 दिवसीय कार्यशाला आयोजित होने जा रही है। तो यहाँ पे देखिए, 12 दिन का जो भी आपका वर्कशॉप है वो यहाँ पे आयोजित होगा। यह कार्यशाला 2 अवधि में होगी, पहली 13 मई से 24 मई तक और दूसरी कार्यशाला 1 जून से 12 जून तक होगी। तो यहाँ पे देखिए, वर्कशॉप का यहाँ पे डेट आ चुका है। ये जो है डेट जो देहरादून के जितने भी शिक्षक हैं उन सबों के लिए है। तो यहाँ पे देखिए, 2 डेट यहाँ पे निकाला गया है, जो कि पहला डेट है 13 मई से लेकर 24 मई तक यहाँ पे वर्कशॉप होगा, और जो दूसरा जो डेट है
एक जून से लेकर 12 जून तक यहाँ पे वर्कशॉप होगा। यहाँ पे देखिए जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेट में लगभग जो है मई से लेकर जून तक में जो भी आपका वर्कशॉप है वो यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा, यानी कि जो भी आपका वर्कशॉप का जो भी क्लास है वो जो आपका मई या जून में यहाँ पे लगेगा। अगर दोस्तों आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, तो जो भी आपका स्टडी सेंटर है उनके कोऑर्डिनेटर से आप पूछ सकते हैं जो भी आपका वर्कशॉप है उनका यहाँ पे डेट क्या है, कब से आपका वर्कशॉप लगेगा, तो वो जो है आपको वहाँ पे बता देंगे कि आपको वर्कशॉप के लिए कब से जो है स्टडी सेंटर पे आना है। और फिर आगे देखें तो लिखा गया है NIOS के क्षेत्रीय अधिकारी प्रदीप कुमार रावत के मुताबिक प्रशिक्षु इसमें से कोई एक कार्यशाला कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लियर रूप से बोला जा रहा है कि जो भी यहाँ पे दो डेट यहाँ पे निकाला गया है उसमें से जो भी शिक्षक हैं वो एक डेट पे जाकर यहाँ पे क्लास को लगा सकते हैं, यानी कि जो भी यहाँ पे 13 मई से लेकर 24 मई तक क्लास है तो उसमें जाकर आप क्लास लगा सकते हैं, या फिर जो भी यहाँ पे 1 जून से लेकर 12 जून तक जो यहाँ पे क्लास है तो वहाँ पे जाकर आप अपने वर्कशॉप के क्लास को लगा सकते हैं। यहाँ पे दो डेट निकाला गया है उसमें से आपको जो एक डेट यहाँ पे चुनना है। और फिर आगे लिखा गया है सभी की 100% उपस्थिति अनिवार्य है। तो यहाँ पे देखिए क्लियर रूप से बोला जा रहा है कि जो भी आपका 12 यहाँ पे वर्कशॉप का जो भी यहाँ पे क्लास है तो उसमें से आपको 12 में से 12 क्लास आपको लगाने जो वो काफ़ी अनिवार्य है। अहम बात यह है कि कार्यशाला के दौरान किसी भी केंद्र पर औचक निरीक्षण किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये भी बोला जा रहा है कि जो भी यहाँ पे वर्कशॉप चलेगा उसका यहाँ पे निरीक्षण भी किया जाएगा, यानी कि अचानक से जो है कहीं पे भी जाँच हो सकता है। दूसरी ओर अभ्यर्थियों के स्कूल गतिविधि के अंक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपका स्कूल गतिविधि का जो भी आपका अंक था वो जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि NIOS की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। तो ये यहाँ पे दोस्तों बड़ा अपडेट था जो भी यहाँ पे पैसे की वापसी को लेके कि यहाँ पे जो भी बीएड किए हुए टीचर हैं जिन्होंने कि यहाँ पे डीएलएड में एडमिशन ले लिया था और उन्होंने यहाँ पे ब्रिज कोर्स में भी एडमिशन ले लिया था तो उनका यहाँ पे जो भी डीएलएड का जो भी पैसा है वो यहाँ पे वापस हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी देहरादून के टीचर हैं उनके लिए यहाँ पे वर्कशॉप का यहाँ पे डेट भी निकाला गया है जो कि 13 मई से लेकर 24 मई तक यहाँ पे आपका वर्कशॉप होगा। और यहाँ पे दूसरा जो डेट निकाला गया है 1 जून से लेकर 12 जून तक आपका यहाँ पे वर्कशॉप होगा। और यहाँ पे वर्कशॉप में आपको जो 100% आपको जो भी उपस्थिति है वो यहाँ पे देना जरूरी है, यानी कि आपको 12 में से 12 क्लास करने जो यहाँ पे काफी अनिवार्य है। ये दोस्तों आज का यहाँ पे बड़ा अपडेट था। और दोस्तों आगे यहाँ पे जो भी अपडेट आता है NIOS डीएलएड को लेके या फिर ब्रिज कोर्स को लेके तो आपको इसी तरह से वीडियो के थ्रू बता दिया जाएगा। दोस्तों इसी तरह के वीडियो साथ बने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का क्लिक दिख रहा है उसको आप क्लिक कर दें। उसके बाद एक नोटिफिकेशन का बेल है उसे भी क्लिक कर दें तो उससे हमारा आने वाला वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में सबसे पहले मिलता रहेगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जितने भी शिक्षक हैं सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। और दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।